आज मैं बना रही हूँ एकदम इंस्टेंट बनने वाली स्नैक्स की रेसिपी। जब भी मन करे 5 मिनट में आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इसे। इवनिंग स्नैक्स में या छोटी मोटी किटी पार्टी में या बर्थडे पार्टी में भी आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, तो ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर लिए हैं मैंने 3 आलू। 3 आलू हमने ये कच्चे लिए हैं, बॉयल नहीं किए, और हमें इसके लिए कच्चे आलू ही चाहिए। तो हम इसे पहले छील लेते हैं, और किसी भी क्वालिटी का आलू चल जाएगा, किसी से भी आप इसे बना सकते हैं। तो आलू सबसे पहले हम छील कर तैयार कर लेते हैं। आलू छील लिए हमने, अब हम इसे काट लेते हैं। तो देखिए, साइड से पहले मैंने इसे काट लिया है और इसकी स्क्वायर हमें बाइट्स चाहिए। स्क्वायर साइज़ में हमें इसे काटना है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं काटना, छोटे छोटे ही काटने हैं। तो देखिए, हम आलू को पहले काट कर तैयार कर लेते हैं। सारे आलू मैंने यहाँ पे काट लिया है। एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, उसमें आलू को ट्रांसफ़र कर लेंगे और हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जितने आलू हैं बस उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे और इसे थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। बिल्कुल गलाना नहीं है, 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे उस गर्म पानी में एक उबाल आने तक बॉईल कर लेना है। और इसमें हमने आधा चम्मच नमक भी ऐड कर दिया है ताकि आलू में नमक आ जाए। तो बस इसे गैस पे रखेंगे और जब भी उबाला आना शुरू हो जाएगा उसी टाइम हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और आलू को निकाल लेंगे। तो आलू में देखिए बॉईल आना शुरू हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। बीच में एक दो बारी इसे हिला लें ताकि हर तरफ से अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। तो हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है, बॉईल नहीं करना। तो बस देखिए, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो सारे आलू हमने एक बर्तन में निकाल लिए हैं। थोड़ा सा बर्तन बड़ा लेंगे ताकि आराम से सारी बाकी चीज़ें इसमें मिक्स हो सकें। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर या वाइट पेपर पाउडर, जो भी आप यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने मिक्स हर्ब्स डाल दिए हैं, आप इसकी जगह ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। तो 1/2 टीस्पून यहाँ पर नमक डाल दिया है। नमक हमने पानी में भी पहले डाला था इसलिए हम थोड़ा सा कम नमक डालेंगे। तो और हम इसमें डाल रहे हैं 1 पैकेट चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून के आसपास ये चिली फ्लेक्स हैं। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल कुटी हुई मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें इस बाइंडिंग देने के लिए, क्रिस्पीनेस करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। पहले हम 2 चम्मच डालेंगे, अगर और ज़रूरत लगेगी तो हम थोड़ा सा इसमें और भी ऐड कर सकते हैं ताकि अच्छे तरीके से हर तरफ से ये कोटिंग हो जाए। और अच्छे से कोटिंग करनी है ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए हमारे आलू। तो हिलाते हुए हाथों से अभी हम नहीं हिलाएंगे, थोड़ा सा शेक करके हिलाएंगे तो हर तरफ अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी कोटिंग कम लग रही थी, मैंने 1 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर और ऐड कर दिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है आप अरारोट का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसमें सेम काम करेगा। तो अच्छे से कोटिंग कर ली है हमने, और थोड़ा सा इसे स्पून की हेल्प से भी हिलाकर देख लेते हैं। नीचे अगर थोड़ा सा पाउडर होता है तो उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, बिल्कुल अच्छे से कोट होकर तैयार हो चुके हैं हमारे आलू। अब हम ऑयल को गर्म कर लेते हैं। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल या रिफाइंड, जिसमें भी आप बनाना चाहें। तो ऑयल को हमने गर्म कर लिया है, मीडियम हीट पर ऑयल चाहिए। एक आलू का टुकड़ा मैंने डालकर देख लिया है तो ये फ्राई होकर ऊपर आ रहा है, तो बस इतना ही ऑयल हमें गर्म चाहिए। मीडियम ऑयल पर अभी हम इसे फ्राई कर लेंगे, और एकदम डालते हुए हमें इसे नहीं हिलाना, हल्के से स्पून की हेल्प से थोड़ा सा हिला देंगे ताकि जो नीचे की जगह है उस पर चिपके नहीं, और फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखेंगे। तो नीचे थोड़ा सा ये चिपक जाता है तो बस इसे एक बार ही हटा लें, और उसके बाद ज़्यादा हिलाना नहीं है। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। फिर हम इसे एक बार ही दोबारा डबल फ्राई भी करेंगे तो ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएंगे हमारे आलू। तो देखिए, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं एक तरफ से, और एक पलटते हुए इसे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। तो सिंगल बैच एक बार ही हमारा तैयार हो चुका है, इसे हम निकाल कर साइड में रख लेते हैं, और बाकी के आलू भी हम एक बार ही सिंगल फ्राई करके इसे रख लेंगे। तो ऑयल एक बार ही ठंडा हो जाता है तो दोबारा से ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लें, उसके बाद ही आप दूसरा बैच डालें, क्योंकि तलने के बाद तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। तो मैंने दोबारा से 1 मिनट के लिए इसे और गर्म कर लिया था, और सारे आलू एक साथ ही इसमें डाल दिए हैं, बाकी जितने भी हमारे पास बचे हुए थे। आप इसे सेव कर भी रख सकते हैं,
फ्रीज़र में स्टोर करके भी रख सकते हैं, किसी एयर टाइट कंटेनर में या किसी जिपर रैप में आप इसे स्टोर कर लें, और जब भी मन करे दोबारा से एक बार फ्राई करें और खा लें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। तो अब हम इसे स्टोर नहीं करें क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, तो आप 1-2 किलो के इकट्ठे बनाकर भी इसे रख सकते हैं। तो इसे हमने देखिए सेकेंड वाला बैच भी फ्राई कर लिया है सिंगल टाइम, तो इसे भी निकाल लेते हैं। और अब हमने तेल बहुत ही ज़्यादा हाई हीट पे गरम किया था, फर्स्ट टाइम हमें मीडियम हीट पर इसे फ्राई करना है और सेकेंड टाइम हाई हीट पे फ्राई करना है। तो बिल्कुल हाई हीट पे फ्राई कर लेंगे और अब बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, तो ज़्यादा सारे भी हम एक साथ में इसे डाल सकते हैं। और इसे हिलाते हुए अच्छे तरीके से, ताकि ये अच्छे तरीके से हर तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो तब तक इसे फ्राई कर लेंगे। और जब तक क्रिस्पी नहीं होते तब तक इसे फ्राई करना है, तो बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं तभी इसे निकालना है, तभी इसका खाने का मज़ा आता है। तो बस हिलाते रहेंगे ऊपर नीचे से ताकि अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो पोटैटो बाइट्स हमारे देखिए बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और बिना मेहनत के बहुत ही अच्छा स्नैक बनकर तैयार हो जाता है। आप कभी भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल कम सामान में और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, इवनिंग स्नैक्स में उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के उन्हें खिलाइएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो सेकंड बैच भी हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया है, देखिए हिलाते रहेंगे साथ साथ ताकि हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो बस अच्छे से फ्राई होने तक इसका वेट करना है और निकाल लेंगे। तो देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हमारी स्नैक्स की रेसिपी तैयार हो गई है। इसमें हमें कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, कोई आलू नहीं उबालने और कोई आलू छीलने नहीं है। बस जब भी मन करे, कच्चे आलू तो हर टाइम घर पर अवेलेबल ही रहते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा इसके ऊपर हमने और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लिया था, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कभी भी मन करे फटाफट से बनाकर आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो थोड़े से और इसमें गार्निशिंग के लिए हमने ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा ऑरिगेनो हमने छिड़क दिया था। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं।